हाय गाइस, मेरा नाम है अक्षय। वेलकम टू माय चैनल TOTD बाय अक्षय। तो अभी हम जा रहे हैं जेट एंड जूलियट 3 देखने। मैंने तो जेट एंड जूलियट 1 एंड 2 दोनों देखी हुई है, बट मेरी पार्टनर को पंजाबी भी समझ नहीं आती और बट दिलजीत दोसांझ आजकल इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं तो देखने का मन कर गया है। सो आई एम प्रिटी श्योर दैट नीरू बाजवा एंड दिलजीत दोसांझ की जोड़ी जैसे हमेशा ही सुपर हिट रही है, हमेशा ही, तो आज भी वही देखने को मिलेगा। बाकी वापस आके मैं आपसे फीडबैक शेयर करता हूँ। अदरवाइज आई एम बिग फैन ऑफ दिस जोड़ी एंड मैंने इतनी पंजाबी मूवीज़ देखी, कम से कम मैंने 30-40 पंजाबी मूवीज़ देखी हैं अपने कॉलेज के दिनों के बाद से, लेट से 2015 के बाद से मैंने इतनी मूवीज़ देखी हैं। अब मुझे सब कुछ समझ आने लगा है। मेरे फेवरेट कॉमेडियन है वही जसविंदर भल्ला एंड बी एन शर्मा की जोड़ी इज टॉप नॉच। तो आई थिंक जसविंदर भल्ला तो नहीं है बट बी एन शर्मा ज़रूर हैं इस मूवी में एंड मैं उनकी भी कॉमेडी देखने जा रहा हूँ। सो आई एम वेरी हैप्पी। लेट्स सी कैसी मूवी होती है और आपके साथ फाइनल रिव्यू शेयर करता हूँ। तो गाइस वापस आ गए हैं जेट एंड जूलियट 3 देख के एंड खुशी देख के आप बता पा रहे होगे कि मूवी बहुत ही कमाल थी। जो एक्सपेक्टेशन सेटिंग जेट एंड जूलियट 1 और 2 ने करी थी, 3 ने उसको भी पार कर दिया। इट्स अ कंटिन्यूस लाफ्टर रायट। मतलब फर्स्ट हाफ आपको थोड़ा स्लो लगेगा बट उसमें भी दिलजीत के इतने पंचेज हैं, बट सेकेंड हाफ ने जो दिलजीत ने एक्टिंग करी है, मतलब पीपल हैड एक्चुअली गॉन क्रेजी इन द थिएटर्स। मतलब हंसना रुका ही नहीं एंड तक। मतलब आपको लगता रहेगा मूवी अब ख़त्म हुई, ये फाइनल पंच था, बट पंचेज आते रहेंगे। और मतलब वो जो पूरी सीरीज ऑफ पंचेज है वो कम से कम आधे घंटे की चलेगी। वर्थ वॉचिंग 100% यस। विद योर फैमिली बिल्कुल आपको देखनी चाहिए। एक चीज़ जो थोड़ी मिसिंग लगी वो ये थी, जैसे नीरू बाजवा और दिलजीत दोसांझ की हमने हमेशा से एक केमिस्ट्री देखी है। मतलब दे फाइट एंड देन दे फॉल इन लव विद ईच अदर। तो यहाँ पे ऐसा रहा कि स्टोरी कुछ ऐसी है कि लास्ट तक ही नीरू बाजवा एक ऑप्शन बन के रहती हैं, तो वो चीज़ थोड़ी पसंद नहीं आई। मतलब जो उनकी केमिस्ट्री होनी चाहिए। देन द सॉन्ग्स आर ऑल्सो अमेजिंग। जानी के भी सॉन्ग्स हैं, बी प्राक ने भी गाया है एक सॉन्ग उसमें, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। बट अगेन आपको 100% मूवी देखनी चाहिए। अगर आपको कोई भी स्ट्रेस है, कोई भी दिक्कत है, दिमाग में कुछ भी चल रहा है, मतलब इट विल कम्प्लीटली रिमूव ऑल योर स्ट्रेस। 100% देखिए। एंड मतलब मैं दिलजीत का और पंजाबी मूवीज़ का फैन तो था ही स्टार्टिंग से, बट यहाँ पे मुझे लगा कि अब दिलजीत और क्या ही कॉमिक टाइमिंग बेटर कर लेंगे। बट किलर मैन, किलर। मतलब वो नंबर वन पे जो आज की डेट में चल रहे हैं ना हर जगह, मतलब वर्थ है, टैलेंट है, प्योर टैलेंट है जिसकी वजह से हम। दूसरी चीज़ जो हमारे ये सीनियर कॉमेडियन जो हम देखते हैं पंजाबी मूवीज़ में, जसविंदर भल्ला और बी एन शर्मा, तो जसविंदर भल्ला तो नहीं है, बी एन शर्मा ज़रूर है मूवी में, बट उनका भी बहुत छोटा सा रोल है, बट वो मैच नहीं कर पाए जो उन्होंने फर्स्ट उसमें शैम्पी के डैडी बन के किया था। बट अगेन राणा रणबीर इज़ देयर एज शैम्पी, उनका भी अच्छा रोल है, 10-15 मिनट का तो कम से कम रोल है एंड इट इज़ ऑल्सो अ क्रूशियल रोल। बट बहुत चीज़ें ऐसी भी करी गई हैं कि पुरानी जेट एंड जूलियट जो फर्स्ट में पंच लाइन्स थी, मेन पंच लाइन, उनको यहाँ पे रिटेन किया गया है, उन लाइन्स को, सो दैट वो टच रहे वो एक सीरीज़ का। सो वो बहुत सही था। एंड यस, पार्ट 4 भी बोला हुआ है कि पार्ट 4 के लिए भी वेट करें लोग, क्योंकि एक पर्टिकुलर वर्ड है, जैसे फर्स्ट में था एक हड़बा वर्ड था, तो यहाँ पे भी एक लास्ट में वर्ड ऐड हो गया है जो कि बोला है उसका मतलब सीरीज 4 ये पार्ट 4 में दिखाया जाएगा। तो पार्ट 4 इज़ ऑल्सो कमिंग, सो बी रेडी फॉर दैट। सो दैट वॉज माई रिव्यू ऑफ द मूवी। नॉट बींग प्योर पंजाबी, मतलब मेरे को प्योर पंजाबी समझ नहीं आती, बट इतनी मूवीज़ देख ली हैं कि मतलब एटलीस्ट 90% मूवी मेरे को मतलब क्या बोलते हैं वो सब समझ आ जाता है। बट यस, वर्थ वॉचिंग, गो वॉच इट। थैंक यू।